नमस्कार, मैं मित कुमार मीडिया दरबार में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया भर में घातक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन आखिर कब तक आएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आज सबके जहन में बार बार आ रहा है। ऐसे में इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर मानव कोरोना पर जीत हासिल कर ली हो। दोनों कंपनियों ने मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बाद अब इसके तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह खबर अपने देश के लिए बड़ी इसलिए है क्योंकि भारत में इस वैक्सीन के लॉन्च होने से पहले मानव परीक्षण के तीसरे चरण को देश में शुरू किया जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में मदद करेगा। SII के CEO आदर पूनावाला ने कहा कि वह जल्द ही इस दवा के परीक्षण के लिए भारतीय दवा नियामक बोर्ड के पास आवेदन भेजेंगे, जिसके बाद भारत में भी इसका मानव परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही पूनावाला ने कहा था कि वैक्सीन के तैयार हो जाने के बाद इसकी आधी मतलब 50% खुराक भारत के लिए ही होगी और बाकी की 50% दुनिया के लिए। पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो सकती है, जिसकी कीमत आम लोगों की पहुंच के हिसाब से तय की जाएगी। एक ब्रिटिश पत्रिका डेली सेंट के अनुसार ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में किसी भी तरह का कोई गंभीर प्रतिकूल परिणाम नहीं दिया है। परीक्षण के दौरान इस वैक्सीन ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करके एंटीबॉडी और टी सेल विकसित किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार दुनिया भर में वर्तमान में 18 वैक्सीनों का मानव परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें से 2 वैक्सीन भारत की हैं जो फिलहाल शुरुआती दौर में हैं। वहीं इनमें से चुनिंदा वैक्सीन ही हैं जो मानव परीक्षण के तीसरे चरण तक पहुँच पाई हैं। इनमें चीन की सिनोवैक, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अमेरिका की मॉडर्ना इंक ही अंतिम परीक्षण के चरण में पहुंच पाई है। उधर भारत की जिन 2 वैक्सीनों को मानव परीक्षण की मंजूरी मिली है उनमें से बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन का सोमवार 20 जुलाई से मानव परीक्षण शुरू हो गया है। गोवा के रेडकर अस्पताल में देसी कंपनी की कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं इसी हफ्ते से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा। बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कुछ दिन पहले ही कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण के लिए देश के 12 संस्थानों को चिन्हित किया था। दिल्ली के एम्स ने भी कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए सोमवार 20 जुलाई से स्वयंसेवकों की भर्ती शुरू कर दी, जिन पर कोवैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने कहा कि कोवैक्सीन का पहला मानव परीक्षण शुरू हुआ है, जिसको पूरा करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। इस तरह से दुनिया भर की नज़रें फिलहाल इन तमाम वैक्सीनों पर हैं जो मानव परीक्षण के पहले या फिर अंतिम चरण में हैं। दुनिया भर में 137 संस्थान वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इस कारण उम्मीद पूरी बनी हुई है कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई वैक्सीन बाजार में जरूर आ जाएगी, जिससे दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल कुछ भी दावे के साथ कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आएगी और कब तक आएगी। जब तक कोरोना से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं आती है, तब तक आप सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।